आज हम बहुत ही चटपटी और टेस्टी बेसन वाली भरवा हरी मिर्च बनाएंगे। इसके साथ आप दो की जगह चार रोटी खाएंगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा ये इतनी टेस्टी बनती है। तो बनाना शुरू करते हैं बेसन वाली भरवा हरी मिर्च की सब्जी। 7 से 8 मोटी वाली हरी मिर्च ली है। ये मिर्ची बिल्कुल भी तीखी नहीं रहती है। इसे पानी से अच्छे से धो के कपड़े से पोंछ के लिया है। इसका हम बीज निकाल लेंगे। बीज पे एक कट लगाएंगे। बहुत ज्यादा बीज नहीं है, आपको बीज रखना है तो रख सकते हैं, पर मैं इसे निकाल रही हूँ। ऐसी मिर्ची में बहुत ज्यादा बीज नहीं रहते हैं। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे, धुआं निकले तब तक हमें इसे गर्म करना है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें से धुआं निकलने लगा है, तो गैस बंद कर देंगे और तेल को थोड़ा 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। तेल थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो इसमें 1 कप बेसन डालेंगे। लगातार चला के इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे। बेसन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और खुशबू आने लगे तब तक हमें इसे लगातार चला के भुनना है। बेसन को लगातार चला के अच्छे से भून लिया है, ये लाइट ब्राउन हो गया है तो गैस के फ्लेम बंद कर देंगे और कढ़ाई में इसे 1 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते रहेंगे। कढ़ाई गर्म है तो बेसन थोड़ा सा और भुनेगा। बेसन को इस तरह से स्पैचुला से दबा के हम भुनेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा गुठलियाँ नहीं पड़ेगी। इसे एक बाउल पे निकाल लेंगे। इसे रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक थोड़ा ठंडा कर लेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन। इसे हाथ से क्रश करके डालेंगे। 1/4 टीस्पून हींग। बेसन है तो इसमें अजवाइन और हींग डालने से ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट। इसमें 1/2 नींबू का रस डालेंगे। मैंने बड़ी साइज का नींबू लिया है। 1 टेबलस्पून जितना नींबू का रस डाल देना है। आपके पास नींबू नहीं है तो आप 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। मैंने मिर्ची ली है वो बिल्कुल भी तीखी नहीं है, इसके लिए मैं 1/2 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भरवा मिर्ची थोड़ी सी तीखी चटपटी होगी तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर आपने मिर्ची थोड़ी तीखी ली है तो आप हरी मिर्ची की पेस्ट मत डालना। इसमें मैं थोड़ा सा नींबू का रस और डाल रही हूँ, 1 टीस्पून जितना। अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा पानी मिलाएंगे, 1 टेबलस्पून जितना पानी मैं डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा बाइंडिंग आ जाए उतना हमें इसमें पानी डालना है। 1/2 टेबलस्पून पानी मैं और डाल रही हूँ। इस तरह का हमें मसाला बनाना है, इस तरह से बाइंडिंग आ जाना चाहिए। मिर्ची में ये मसाला भर लेंगे। मसाला अच्छे से दबा के भरना है तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। इस तरह से अच्छे से मसाला भरेंगे। सभी मिर्ची में मसाला अच्छे से दबा के भर दिया है और इस तरह से मसाला दबा दबा के ही भरना है। तो हम मिर्ची तेल में जब भी बनाएंगे तभी मसाला मिर्ची में से बाहर नहीं आएगा। और इतना मसाला बच गया है, इसे हम मिर्ची के ऊपर डालेंगे। कढ़ाई में 3 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे। 1 पिंच नमक डाल के तेल को धुआं निकले तब तक गर्म करेंगे ताकि इसका कड़वा टेस्ट चला जाएगा। तेल में से धुआं निकलने लगा है तो गैस ऑफ कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे ठंडा कर लेंगे। तेल को थोड़ा ठंडा कर लिया है, इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा को लाइट ब्राउन भुनेंगे। जीरा लाइट ब्राउन हो गया है, 1 पिंच हींग डालेंगे। मिर्ची अंदर डाल देंगे। एक बार इसे चला लेंगे ताकि तेल का कोटिंग मिर्ची के ऊपर अच्छे से लग जाए। गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखना है। ये मसाला बचा है ये ऊपर डाल देंगे। इसके ऊपर एक डिश रख देंगे इस तरह से। इसमें पानी डालेंगे,
और धीमी आंच पे मिर्ची को कुक करेंगे। डिश में इस तरह से पानी डाल के मिर्ची को कुक करेंगे तो मिर्ची एकदम सॉफ्ट बनेगी। 2 से 3 मिनट के बाद इसे चला लेंगे, वापस इसे ढक देंगे और इस तरह से धीमी आंच पे मिर्ची को कुक करेंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहना है 2-3 मिनट के बाद। इसे 5 मिनट धीमी आंच पे कुक किया है और बीच में एक बार चला लिया था। इसमें हमने पानी डाला था, यही पानी हम थोड़ा सा डालेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। वापस इसे ढक देंगे और धीमी आंच पे कुक करेंगे। पानी को डिश में ही रखेंगे। 3 से 4 मिनट इसे और कुक कर दिया है। मिर्ची एकदम सॉफ्ट हो गई है, बहुत ही अच्छे से कुक हो गई है। गैस ऑफ कर देंगे। ये भरवा मिर्ची रोटी पराठा के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है, या फिर आप इसे दाल और राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। भरवा हरी मिर्च की सब्जी बन के रेडी हो गई है और ये बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।